अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरियार पर। कल जो मीटिंग हुई थी 4 बजे TET PGT की, और हमने बताया था कि शाम वीडियो बनाई कि जो परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है उसमें, और जो ऑफिशियल रूप से वो कल आपको पता दिया जाएगा कि हाँ कितनी एग्जैक्ट डेट रहेगी। तो आइए दिखाते हैं खबर पर, और आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी या TET PGT संबंधित जानकारी वो इस पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं खबर पर। देखिए एक ये न्यूज है हमारे पास, चयन बोर्ड 15 अगस्त से पहले TET PGT प्रवक्ता 2021 भर्ती परीक्षा होगी। और एक और न्यूज दिखाते हैं, देखिए ये खबर हिंदुस्तान की है, वो अमर उजाला की है, चयन की तारीख तय, वेबसाइट पर अपलोड नहीं, परेशानी। देखिए अब इसका सबका सार बताते हैं हम, दोनों खबरों का क्या है इसमें, आपका समय नहीं लेंगे पूरी खबर को देखते हुए, ठीक है। तो हमने जो पूरा निष्कर्ष निकाला है इसका, उसी पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो परीक्षा तिथि को लेकर क्या प्रॉब्लम थी, ठीक। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुलाई में पूरा कराने को कहा था कि जुलाई में परीक्षा पूरी करा ली जाए भर्ती, लेकिन क्या हुआ कि 20 मई तक जो है आवेदन लिए गए, और जो 20 मई तक आवेदन लिए गए थे इसके, जो 15,198 वैकेंसी निकली थी, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब इन्होंने जुलाई में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये पॉसिबल नहीं था कि जुलाई में परीक्षा करा दी जाए, जब 20 मई तक तो परीक्षा फॉर्म ही आए हैं, ठीक। तो अब इसको लेकर कल मीटिंग हुई थी 4 बजे, जिसे चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बीरेंद्र कुमार जी जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके साथ, और एक युवा मंच के युवाओं की तरफ से जिनका वो कर रहे थे चयन बोर्ड में, जो युवा मंच से जो गए छात्र के अध्यक्ष थे वो थे अनिल सिंह, ठीक है। तो ये इन्होंने कल मीटिंग की, और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया, ये जो तिथि आई है वो मतलब ऐसे अभी ऑफिशियली नहीं निकाली है उन्होंने, यानी कोई नोटिस देकर नहीं निकाली है, लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर कही गई है, इस न्यूज को हम आप खुद सर्च करना या खुद पढ़ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो इन्होंने कहा था कि जो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, मतलब जो बीरेंद्र कुमार, इन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूरी भर्ती कराने को दिसंबर तक का समय मांगेंगे, ठीक है, यानी पूरी जो भर्ती कराने का दिसंबर तक समय मांगेंगे, दिसंबर तक हम करा देंगे। और साथ में जो इन्होंने कहा था अनिल सिंह ने कि अगस्त और सितंबर में भर्ती पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप पूरी न्यूज़ देखिए, आप देख मालूम पड़ जाएगा कि अगस्त सितंबर में भर्ती पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम 20 जून से क्या करेंगे, 20 जून से आंदोलन करेंगे अगर पूरी जो है अगस्त सितंबर से परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई तो। और साथ में इन्होंने ये जो तटस्थ शिक्षक थे उनको भी कहा है कि उनकी भी जो है पूरी निकाली जाए, वैकेंसी बताई जाए कि कब रहने वाली है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है चयन बोर्ड की तारीख तय हो गई है, उन बोर्ड पर मोहर भी लगा दी गई है, लेकिन तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन जो आंदोलन की बात कही तो इन्होंने इस वजह से अगस्त सितंबर में भर्ती, और अगस्त के पहले पखवाड़े में यानी पहले सप्ताह में पहले वीक में कराने